बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कोडिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर उसका स्क्रिप्ट लिखने लगा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो उसके बाद बेटा हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है मैं उसको लिखता हूँ मैटलैब प्रोग्राम ऑफ, तो ये आपके पास है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपके पास क्या है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपके पास है कौन सा? ये आपके पास है y प्राइम प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास है इनिशियल कंडीशंस। तो वो आपके पास क्या दी हुई है? इनिशियल कंडीशंस आपके पास है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, ये आपके पास गिवन। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो पहले इनिशियल जो हम कमांड्स देते हैं इसकी वो देंगे clc क्लियर ऑल और क्लोज ऑल, ठीक है। और उसके बाद क्लियर फिगर इसकी कमांड भी दे देंगे। अब आपके पास जो है सबसे पहले आप टाइम इंटरवल जो है वो डिफाइन करेंगे। टाइम इंटरवल इन विद द सॉल्यूशन वी हैव टू शो, तो ये आपके पास आ जाएगा टाइम स्पैन, ठीक है। जैसे मैंने इसे नाम चेंज नहीं करा था कि आप लोग इससे पहले ही वाकिफ हैं, तो ताकि ये आप लोग उसको देख लें। तो टाइम स्पैन आप लिख दें 0 से लेकर 10 तक। उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा इनिशियल कंडीशन, तो वो आपके पास है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, y नॉट इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ y प्राइम इज इक्वल टू, इसी तरह जैसे हमने वहां पर किया था, तो इसकी ये जो साइड हमारे पास है 2xy इसको राइट साइड पे लेके आएंगे आप। तो राइट साइड पे जब लेके आएंगे तो ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास यहां पर है, इसको लिखेंगे dy इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ x y या ty लिखना चाहते हैं या जो मर्जी लिखना चाहते हैं आप, तो वो आप लिख सकते हैं। ये xy इज इक्वल टू आ जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y, ये आपके पास आ जाएगा यहां पे, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास है, हमने इसका जो सॉल्यूशन जो है बेटा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हमने तो उसके लिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ODE 45। ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है या सॉल्वर इस्तेमाल होता है हमारे पास, वो यूज किया है यहां पे। तो यहां पर आप लिखते हैं dy, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा टाइम स्पैन, ठीक है, कॉमा वाई नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहां तक इसका अगर सॉल्यूशन चेक करना चाहते हैं तो वो सॉल्यूशन इसका जो है आप चेक कर दें, सेव कर लें इसको। तो ये इसको P2 का नाम दे दें, ठीक है। आप इसको जरा चेक कर लें कि आया कि ये हमारा सॉल्यूशन जो है यहां तक
सही है या नहीं, ठीक है। तो इसमें यानी कि अभी तक कोई गलती नहीं आई, इट मीन्स कि हमारे पास ये सही है, ये रन एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, फिर हम जाएंगे इसके मूव करेंगे इसके एनालिटिकल सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, एनालिटिकल सॉल्यूशन के लिए आप क्या लिखेंगे, वाई एस इज इक्वल टू डी सॉल्व, कोई भी अगर आपके पास कंडीशन दी हुई है तो आप इस कमांड के थ्रू उसका सॉल्यूशन जो है देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास डी वाई प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू जीरो, और उसके बाद फिर आपके पास जो कंडीशन दी हुई है वो आपके पास क्या है, वो है वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू, ये आपके पास इनिशियल कंडीशन आ जाएगी यहां पे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इस एनालिटिकल सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना है हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि हमने जब ग्राफ बनाना है तो ग्राफ को कंपेयर करना पड़ेगा यहां पे। तो यहां पर आप लिखें कन्वर्जन ऑफ एनालिटिकल इनटू न्यूमेरिकल, ठीक है, सॉल्यूशन। तो बेटा ये उसके लिए फिर आपने ये करना है यहां पे y s x, ये जो आपके पास हर x की जो वैल्यू आपके पास है उसके अगेंस्ट इसके सॉल्यूशन को आप क्या करें, चेक करें। तो ये आ जाएगा y s, ठीक है। तो ये आपने इवेल्यूएट करके देख लिया, यानी कि तमाम को इवेल्यूएट किया हमने वाई एस के ऊपर, यानी कि हर एक्स के ऊपर वाई एस की वैल्यू को हमने कंप्यूट किया। इसको भी आप रन करके देख लें यहां पर क्या आया कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो ये यहां पर एक एरर दिखा रहा है यहां पे कि लाइन नंबर 20 में आपके पास जो है यहां पर ये सॉरी यहां पर ये मैं गैप देख गया हूं, ये गैप नहीं आना यहां पे वाई एस ठीक है। यहां पर दोबारा इसको चेक कर लेते हैं, ये लाइन 20 के अंदर आपके पास यहां पर एरर है। मैंने रात को इस प्रोग्राम को बनाकर यहां पर रन किया था, मैं उसमें देख लेता हूं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है यहां पे। यहां पर मैं इसको अब जरा मैं इसको देखता हूं कि, या फिर एक और है हमारे पास, हम इसको टाइम के अगेंस्ट चेक कर लेते हैं। टी इज इक्वल टू आपके पास एक्स है यहां पे इसको दोबारा चेक करते हैं, देखते हैं कि अब हमारे पास ये प्रॉब्लम सही हो गई। यहां पर आपके पास जो प्रॉब्लम आ रहा है ये आपने सिंपल गैप यहां पर प्रोवाइड करना है यहां पे, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा यहां पे नेक्स्ट, जब आप इसको यूज करेंगे वो है आपके पास, आपने एरर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ एरर बिटवीन एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहां पर आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एरर इज इक्वल टू नॉर्म इनटू ये आपके पास आ जाएगा वाई कॉमा वाई एस एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा
सॉरी, उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय नॉर्म इनटू वाई एस एक्स। ठीक है, तो ये आप इसको भी चेक करके देख लें सेव करके, तो देखें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आता है। ये आपके पास यहाँ पर एरर दे रहा है, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपने यहाँ पर कोई साइन यूज नहीं किया। तो हमने क्योंकि डिफरेंस फाइंड करना है यहाँ पे, तो आपने फिर यहाँ पर माइनस का साइन जो है वो ऑपरेट करना है यहाँ पे। अब ये देखें, ये एरर उसने खत्म कर दिया और एरर ये कैलकुलेट उसने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इनको प्लॉट करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, फिगर वन, तो ये आ जाएगा प्लॉट, यहां पर आ जाएगा आपके पास एक्स कॉमा वाई और रेड स्टाइल जो है इसके ग्राफ का वो आपके पास आ जाएगा रेड हाइफन। ठीक है, तो ये फिगर वन आपके पास आ गई यहां पे। तो यहां पर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास ये उसका एरर उसे जनरेट कर दिया, ये सॉरी उसका ग्राफ जनरेट कर दिया। अगर आप मजीद इसको करना चाहते हैं, फिगर टू आप बना लें, फिगर टू, तो इसमें आ जाएगा आपके पास प्लॉट, यहां पर आ जाएगा एक्स कॉमा वाई एस के अगेंस्ट इसको निकालना चाहते हैं तो, बल्कि आपके पास वाई एस एक्स के अगेंस्ट अगर निकालना चाहते हैं तो ये कर लें वाई एस एक्स, और इसके ग्राफ को आप डॉट डैश के का नाम दे दें। अब इसको थोड़ा चेक करें क्या है कि ये ग्राफ बना है या नहीं बना। देखें तो ये उसका हमारे पास जो सेकंड ग्राफ हमारे पास आया है, ये उसका ग्राफ आ गया आपके पास। ठीक है, ये जिसको हमने एनालिटिकल सॉल्यूशन को, जिसमें हमने क्या कहते हैं एनालिटिकल को हमने न्यूमेरिकल में जिसमें कन्वर्ट किया था, तो ये आपके पास आ गई यहां। अब आप इसी तरह, अगर ये उसका सोल्यूशन आ गया, अगर आप इसका कंबाइन ग्राफ बनाना चाहते हैं यहां पे, आप कहते हैं दोनों का ग्राफ या एरर का ग्राफ भी आप देखना चाहते हैं, तो एरर आपके पास क्या है, तो उसके लिए फिगर थ्री जो है वो आप ओपन करें, आप उसके लिए फिर दोबारा लिखें प्लॉट। ठीक है, उसमें आपके पास आ जाएगा एक्स कॉमा एरर। ठीक है, और यहां पर आप इसको रेड का नाम दे दें आप। ठीक है, रेड का नाम, तो यहां पर इसको सेव करके इसका भी ग्राफ बना के देखें कि एरर के अगेंस्ट इसका ग्राफ क्या बनता है हमारे पास। ये यहां पर वो कहता है कि ये ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है कि आप ये वाली ऑप्शन दें, यहां पे आप जस्ट ये सॉरी यहां पर आप इसको वो करें, ये देखें अब ग्राफ बना के देखें इसका, अब ग्राफ क्या बनता है आपके पास, ये आपके पास ये जो थर्ड वाला आपके पास आ रहा है, ये आपके पास एरर का ग्राफ यहां पे है। ठीक है, ये एरर दिखा रहा है, ये एनालिटिकल सॉल्यूशन का है आपके पास, और ये आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशन यूज का निकाला था आपने उसका। अगर आप कहते हैं कि हमने तीनों का ग्राफ एक ही उसमें दिखाना है, तो फिगर फोर, तो यहां पर लिखें प्लॉट, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा एक्स कॉमा वाई। ठीक है, फिर उसके बाद आप करें एक्स कॉमा वाई एस टी। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा एक्स कॉमा एरर। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको अभी ये मेथड सिखा रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बहुत ज्यादा एडवांस है हमारे पास, तो उसमें सिर्फ जानने से पहले मैं आपको ये तमाम चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग इस चीज से फेमिलियर हों। अब ये देखें, ये मैं इसका ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, तो ये सारे के सारे ग्राफ एक हमारे उसके ऊपर आ जाएंगे पेज पर। तो यहां पर ये लाइन नंबर 31 में ये कह रहा है कि वाई एस टी नहीं था सॉरी, तो वो उसका ग्राफ उसने जनरेट यहां पर नहीं किया, ये वाई एस टी नहीं था हमारे पास, वाई एस एक्स था हमारे पास। ठीक है, वो इस चीज को प्रॉब्लम ले रहा है, तो यहां पर देखें अब इसको आप करें तो
ये तीन, ये आपके पास जो जनरल ग्राफ था ये वो आ गया आपके पास, ठीक है, जो कंबाइंड फिगर थी हमारे पास। उसके बाद आप देखें ये, उसके बाद आपके पास ये और ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये उसका हमने बना लिया था, क्या कहते हैं कि उसकी प्रोग्रामिंग कर ली। तो इस तरह आप दूसरी जो इक्वेशन है उनकी भी प्रोग्रामिंग यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा और आपने इस तरह के जो क्वेश्चंस और हैं वो आपने ट्राई करने। तो एक दो और वीडियोस में जो है इस तरह के इक्वेशंस की बना के दिखाऊंगा जो कि आपकी बुक के क्वेश्चंस होंगे आपके पास, ठीक है, डीजे जिल की बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं वीडियोस बना के दिखाऊंगा आपको, उसकी प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा, तो वो आप लोगों ने देख लेना, उस तरह की फिर उसकी आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करनी, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, ओके, अल्लाह हाफिज़।